इंग्लिश सीखने की शुरुआत सबसे पहले हम कुछ बेसिक टॉपिक से करते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यह इंग्लिश के बहुत ही बेसिक एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत करना चाहते हो और आप अभी तक सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या है आप नहीं जानते हो, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन्हें कैसे पहचाने आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। तो आज के इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन्हें इजीली कैसे पहचाने। तो चलिए पहले हम सीखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट नंबर 1 है, वर्ब नंबर 2 है, ऑब्जेक्ट नंबर 3 है। तो पहले हम नंबर 1 सब्जेक्ट को समझते हैं। सब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, और हाँ किसी भी सेंटेंस में यानी कि किसी भी वाक्य में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। इसे थोड़ा आसान तरीका से समझते हैं। सब्जेक्ट यानी कि हिंदी में कर्ता, कर्ता वो व्यक्ति अथवा वस्तु होता है जो सेंटेंस में, सेंटेंस का मतलब वाक्य, जो वाक्य में कोई काम करता है या काम से सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है वो होता है सब्जेक्ट यानी कि हिंदी में कर्ता। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वो व्यक्ति अथवा वस्तु होता है जो सेंटेंस में कोई काम करता है या काम से सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है वो होता है सब्जेक्ट यानी कि हिंदी में कर्ता होता है। और हाँ आपको एक बात को ध्यान में रखना है, सेंटेंस में व्यक्ति या वस्तु इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और हाँ जो सेंटेंस में काम करता है या काम से सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं, तुम, आप या फिर किसी का नाम या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, यानी कि सेंटेंस में कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कोई काम करते हुए दिखे तो समझ जाना वो सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा बांसुरी बजाता है तो यहाँ पर बांसुरी बजाने का काम कौन कर रहा है? कृष्णा कर रहा है, तो यहाँ पर कृष्णा सब्जेक्ट है। समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मोहन ने सोहन को पीटा तो यहाँ पर किसने किसको पीटा? मोहन ने सोहन को पीटा तो यहाँ पर पिटाई करने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, तो यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट है। या फिर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन करो। नंबर 1 किसने किया, जिसने भी किया वो सब्जेक्ट है। नंबर 2 कौन कर रहा है, जो भी कर रहा है वो सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर किताब कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हूँ। यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। अब समझते हैं नंबर 2 वर्ब। वर्ब यानी कि हिंदी में क्रिया। क्रिया वो शब्द होता है जिसे पहचानने के लिए हमें यह पता करना होगा कि सब्जेक्ट आखिर कर क्या रहा है। कोई भी सेंटेंस अगर आप बनाते हो तो डेफिनेटली उसमें कुछ तो चीज हो रही होगी, कोई बात कोई काम तो हो रही होगी। तो वर्ब वो होता है जिसे पहचानने के लिए हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर सब्जेक्ट कर क्या रहा है। सब्जेक्ट जो कुछ भी करता है वही वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी सब्जेक्ट के बारे में पीछे पढ़ा था कि कृष्णा बांसुरी बजा रहा है, जिसमें कृष्णा सब्जेक्ट था। तो इस वाक्य में कृष्णा जो सब्जेक्ट है ये क्या काम कर रहा है? कृष्णा बांसुरी बजाने का काम कर रहा है यानी कि बजाने का काम कर रहा है। तो इस वाक्य में, इस सेंटेंस में बजाना वर्ब है। समझ में नहीं आया तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पीछे सब्जेक्ट में हमने एग्जाम्पल लिया था कि मोहन ने सोहन को पीटा, जिसमें पिटाई करने का काम मोहन कर रहा है, तो मोहन सब्जेक्ट है। तो मोहन क्या कर रहा है? सोहन को पिटाई कर रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मोहन है जो पिटाई का काम कर रहा है।
तो यहाँ पर पिटाई, पिटाई शब्द जो है ये एक वर्ब है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो कुछ भी करेगा वही वर्ब होगा। जैसे मान लीजिए मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो इसमें मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पढ़ना ये वर्ब होगा। और हाँ, आपको एक चीज को ध्यान में रखना है, सेंटेंस के हिसाब से वर्ब का फॉर्म जो होता है वो बदलते रहता है। कई स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखें सेंटेंस के हिसाब से वर्ब को फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब का 5 फॉर्म होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एट यानी कि खाना, वर्ब का सेकंड फॉर्म एट यानी कि खाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन यानी कि खा चुका है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ईटिंग यानी कि खा रहा है, वर्ब का फाइव्थ फॉर्म ईट्स यानी कि खाना। दूसरी एग्जांपल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो यानी कि जाना, वर्ब का सेकंड फॉर्म गॉन्ट यानी कि गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन यानी कि जा चुका है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म गोइंग यानी कि जा रहा है, वर्ब का फाइव्थ फॉर्म गोस यानी कि जाना। ये है वर्ब का फॉर्म, इसलिए इन्हें ध्यान में रखना है। सेंटेंस में सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है उसी काम का नाम जो होता है वही वर्ब होता है। तो आई होप आप वर्ब को भी समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नंबर 3 ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में विषय या वस्तु कहते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कि विषय या वस्तु, यह वो व्यक्ति या वस्तु है जो वर्ब से डायरेक्टली प्रभावित होता है। मुझे पता है कि आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। पीछे हमने सब्जेक्ट और वर्ब के एग्जांपल में पढ़ा था कि कृष्णा बांसुरी बजा रहा है, जिसमें कृष्णा सब्जेक्ट था और बजाना वर्ब था। तो यहाँ पर वर्ब से प्रभावित क्या है, बांसुरी है, तो यहाँ पर बांसुरी ऑब्जेक्ट हुआ। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल और लेते हैं। पीछे हमने एग्जांपल लिया था मोहन ने सोहन को पीटा, जो हमने सब्जेक्ट और वर्ब के एग्जांपल में पढ़े थे, जिसमें मोहन सब्जेक्ट है और पीटना वर्ब है। तो यहाँ पर सोहन ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि पिटाई का असर सोहन पर पड़ रहा है, इसलिए सोहन ऑब्जेक्ट है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो इसमें आप बताओ कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, आइए जानते हैं। तो इसमें किताब कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हूँ। इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ना वर्ब है। क्या पढ़ रहा हूँ, तो किताब पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर किताब ऑब्जेक्ट है। यानी कि सब्जेक्ट जो कुछ भी करेगा वो होगा वर्ब, और जिस चीज पर काम हो रहा होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो मैं हूँ सब्जेक्ट, और मैं पढ़ने का काम कर रहा हूँ तो पढ़ना हुआ वर्ब, और काम हो रहा है किताब पर क्योंकि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर किताब हो गया ऑब्जेक्ट। आप धीरे धीरे खुद से सेंटेंस बनाइए और उसमें धीरे धीरे पहचान करिए कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप फ्री में टेंस सीखना चाहते हैं, वो भी एक दिन में बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका से, तो टेंस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से टेंस सीख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो एक लाइक कर दो, और मेरे न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लो। थैंक यू, बाय।